पुलिस की गिरफ्त में दिखाई दे रहा ये शख्स दरअसल वो हवस का पुजारी है जिसने एक बार फिर से रिश्तों को कलंकित कर दिया है। पूरा मामला रेवाड़ी का है, जहाँ इस आरोपी ने अपनी भतीजी को भैला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर दो दिन तक जबरन रेप करता रहा। जब पीड़िता ने मामले की शिकायत परिजनों से की तो परिजनों ने पुलिस को शिकायत दे दी कि आरोपी मौसा उनकी बेटी को JBT का फॉर्म भरवाने के बहाने अपने साथ ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस की टीम ने कतई देर नहीं की और केस दर्ज करने के बाद आरोपी मौसा को गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र की एक लड़की है, उसको उसका कोई रिश्तेदार जो नाते में मौसा लगता है तो उसके बारे में बताया कि वो उसको लेके चला गया है, तो अभी हमने उसको अरेस्ट कर लिया है और अरेस्ट करने के बाद पुलिस रिमांड पे लिया गया है और उक्त मामला 346 में दर्ज हुआ था, अभी उसमें पीड़िता के कथन पर 376-342 सेक्शन ईजाद कर दी गई है और अभी तफ्तीश जारी है और आगे की प्रोसीडिंग फर्दर जारी है। कितनी उम्र है सर बच्ची की? बच्चे की उम्र नियर अबाउट अबाउ 18 ईयर्स, 18 से ज़्यादा ही है। मौसा क्या करता है सर? मौसा इशार में रहता है और वो काम तो कोई ऐसे स्पेसिफिक तो नहीं है, मजदूरी वगैरह ही है। बता दें इससे पहले परिजनों ने पुलिस को युवती के घर से चले जाने की शिकायत भी दर्ज कराई थी और जब युवती घर वापस लौटी तो उसके साथ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कराया गया। बहरहाल पुलिस ने धारा 376 के तहत केस दर्ज तो कर लिया है और आरोपी को कोर्ट में पेश कर एक दिन की रिमांड पर लिया है। रेवाड़ी से महेंद्र भारती, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।